मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था कि जो कंप्लीट बेजलेस स्क्रीन वाले या फिर जो ऑल स्क्रीन डिस्प्ले वाले जो फोन्स होने वाले हैं ना, वो ही फ्यूचर है। और इसलिए आपको पहले 18:9 डिस्प्ले का जो कंसेप्ट था वो पॉपुलर होता हुआ मिला, और बाद में जो नॉच का कंसेप्ट था ना वो पॉपुलर हो गया। और अगर हम नॉच की बात करें तो वो बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और जो इसे सबसे पहले लेकर आया था ना वो था एसेंशियल फोन, जिसके अंदर आपको ये सबसे पहले देखने को मिला था। और फिर बाद में जो आईफोन 10 आया तो उसने जो नॉच का जो कंसेप्ट था ना उसको और ज्यादा पॉपुलर कर दिया। और मैंने पहले की वीडियोस में बताया था कि जो नॉच का जो कंसेप्ट वो आगे चल के रहने वाला है, और बहुत सारे नॉच वाले फोन्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो हुआ भी, आज की डेट में आपको कई सारे नॉच वाले फोन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि 10,000 उससे कम के बजट में भी आपको नॉच वाले फोन्स देखने को मिलते हैं। और नॉच इसलिए हिट रहा क्योंकि उस समय जो बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन था ना फुल स्क्रीन फोन बनाने का, वो नॉच के साथ ही था। और धीरे धीरे नॉच का जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होने लगा, और आपको वाटर ड्रॉप नॉच या फिर कहूँ टीयर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने लगा। और इस छोटे से नॉच के अंदर आपको फ्रंट कैमरा, स्पीकर और सेंसर देखने को मिलने लगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो नॉच का जो टाइम है ना वो खत्म होने वाला है, क्योंकि जो स्क्रीन होल डिस्प्ले का जो कंसेप्ट है ना वो आ गया है। इसका मतलब है कि स्क्रीन में साइड में ऊपर या कहीं भी एक छोटा सा होल होगा जिसके अंदर आपका फ्रंट कैमरा होगा और दूसरे सेंसर्स वगैरह उस छोटे से होल में इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। और देखा जाए ना तो ये नॉच से बेटर इंप्लीमेंटेशन लगता है अगर हम कंप्लीटली बेजललेस फोन बनाना चाहते हैं, तो उस दिशा में काफी बड़ा कदम है। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि कंप्लीट बेजललेस फोन तो बन चुके हैं, जैसे वीवो नेक्स या फिर ओप्पो फाइंड एक्स या फिर हाल ही में जो नया मी मिक्स 3 और ऑनर मैजिक 2 आया जिसके अंदर आपको स्लाइडिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो हाँ, वो एक देखा जाए तो आपको कंप्लीटली बेजललेस फोन देखने को मिलते हैं, लेकिन आज की डेट में जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म या पॉपअप कैमरा का जो इंप्लीमेंटेशन है ना वो परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है किसी परमानेंट प्रॉब्लम का। और हाँ, स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्यों बेकार है, क्यों फेल होगा ना, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आज की डेट में बात करें तो स्क्रीन होल के अंदर सिर्फ कैमरा कुछ सेंसर ही लगाने की जरूरत है, क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें ना वो हम डिस्प्ले के नीचे लगाना सीख गए हैं, जैसे कि स्पीकर्स और जो कई सारे सेंसर्स होते हैं वो आज की डेट में डिस्प्ले के नीचे लगाना पॉसिबल है। और ये जो कैमरा होल की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आगे चल के आपको बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हुए देखने वाली है। और कंपनीज इस होल को धीरे धीरे छोटा भी बनाएंगी और साइड में इस तरीके से लगाएंगी ना कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना हो, और जिन लोगों को नॉच से प्रॉब्लम थी ना वो प्रॉब्लम इन्हें स्क्रीन होल के साथ ना देखने को मिले। और स्क्रीन होल हमें तब तक देखने को मिलने वाला है जब तक हम फ्रंट कैमरा को डिस्प्ले के अंदर लगाने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। बाकी अगर बात करें तो 2019 में जो सबसे पॉपुलर ट्रेंड रहने वाला है ना, तो वो तो स्क्रीन होल वाले डिस्प्लेस का भी रहने वाला है। और जो हमें फ्यूचर के ऑल स्क्रीन फोन्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर जो कैमरा है वो डिस्प्ले के अंदर ही लगा होगा ना, तो वो चीज हमें 2020 तक ही देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करें तो स्क्रीन होल आपको किन फोन्स में देखने को मिल सकता है, तो ऑलरेडी लीक्स आना चालू हो गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने Zenfone 6 के लीक्स में देख लिया होगा कि Zenfone 6 के जो फोन्स आने वाले ना उसके अंदर आपको स्क्रीन होल देखने को मिलेगा। हाल ही में सैमसंग ने अपना Infinity O डिस्प्ले को टीज किया था, और ये भी पता चला था ये जो Infinity O का जो डिस्प्ले होगा ना ये आपको Samsung Galaxy S10 में देखने को मिलेगा। और जो सबसे पहला फोन जिसके अंदर आपको स्क्रीन होल टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है ना, वो हो सकता है Samsung Galaxy A8s, क्योंकि उसके लीक्स आ रहे हैं कि वो Samsung Galaxy S10 से पहले लॉन्च होगा और उसके अंदर आपको स्क्रीन होल की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो 2018 के एंड से पहले आपको ऐसे फोन्स देखने को मिलने वाले जिसके अंदर आपको स्क्रीन होल देखने को मिलेगा। और अगर हम स्टार्टिंग की बात करें 2019 की, तो जितने भी बड़े फोन्स लॉन्च होंगे ना उस समय, तो उन सब के अंदर आपको स्क्रीन होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और बात करें 2019 के एंड तक ना, तो ये चीज आपको बजट फोन्स में भी देखने को मिल सकती है, यानी कि 10,000 के आसपास वाले जो फोन्स 2019 के एंड में जो आएंगे ना उनके अंदर आपको स्क्रीन होल डिस्प्ले देखने को जरूर मिल सकता है। और ज्यादातर कंपनीज इस चीज के पीछे इसलिए भी भागेंगी क्योंकि इससे आपके फोन का जो लुक है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो फोन है ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है और वो कंप्लीट डिस्प्ले के साथ आ रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज आगे बिल्कुल चलने वाली है, और आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऐसे फोन्स देखने को मिलने वाले हैं ना जिनके अंदर आपको स्क्रीन होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो सच में आप लोग अभी तैयार हो जाइए क्योंकि 2019 में ऐसे फोन्स की बाढ़ आने वाली है। बाकी आप लोग अपने नए फोन में स्क्रीन होल देखना पसंद करोगे या नहीं, तो ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।